अस्सलाम वालेकुम, मैट्रिक्स में जैन बाबू और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिले के बारे में एक खबर सुनी है कि जिला सील हो गया, उसका देसी घी जो है वो एक्सपायर निकला है। इसमें कितनी हकीकत है? अगर एक्सपायर निकला है तो ये लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? भाई जिले का देसी घी तो एक्सपायर निकला है, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या करने खड़े हैं? अगर एक्सपायर हो जाता तो वाकई बंद हो जाती, लेकिन जिले की दुकान ओपन है भाई। ये चेक करें, जिला अपनी आम रूटीन के मुताबिक आज फिर उसी तरीके से काम कर रहा है। और ये चेक करें, देसी घी मुंडेल रहा है इसमें भाई जान, देसी घी डाली जा रहा है और अपने देसी घी के साथ अपने आए ग्राहकों को इंटरटेन करने के लिए, उनको जायका देने के लिए देसी घी चेक करें किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जिला अपनी हांडी में डाल रहा है। जिले भाई ये क्या है? अच्छा हाँ, किसी ने गलत वीडियो लगाई है, आपके सामने काम कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही था, उन्होंने फेक भी कर दिया, तो उसके खिलाफ मैं ना रखते में जाऊँगा, मैं उसके ऊपर जाना डाला है, क्योंकि उसने गलत वीडियो लगाई है, तो इसलिए कस्टमर के लिए आने वाले वगैरह देख के आएंगे, वाकई बंद हो गया, तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, अगले में जाऊंगा तो उसको मैं केस करूंगा। कानूनी कार्रवाई करेंगे जिला जिसने भी वीडियो लगाई है उस पर, और जहां तक हो सकेगा वहां पर जाएंगे और ये चेक करें। अच्छा वैसे कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। असल में ये है कि वो आम आ रहे हैं, कोई फर्क मुझे पता भी नहीं, वीडियो क्यों लगा दी है। हां तो मैं कैसे कल हुआ हमारा ना, हमने लगाई है और खाना लगाया था, एक भाई खत्म हो गया था, मदरसे के बच्चों को दिया, उन्होंने रोजा रखा हुआ था। मदरसे के बच्चों का रोजा रखा हुआ था, इसीलिए कल खाना जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, कल हम चने लगाए थे, कोफ्ता चने। अच्छा। तो वो बच्चे आए जो बैठे थे, इतिकाफ़ पे बैठे थे, तो वो साढ़े बारह बच्चे आए, मैंने उनको खाना दे दिया, पैसे दे रहे हैं, मैंने नहीं लिए, वो मैंने अल्लाह के नाम से सब डील दे दी है, तो इसलिए उस भाई ने चोरी वीडियो में डाल दी है। हाँ। तो मैं उसके साथ कार्रवाई करूंगा, मैं तो खुद वीडियो देखी नहीं है। अच्छा। तो मेरी जो वहां मालिक थे आपका बंद हो गया, एक्सपायर भी निकला है। अच्छा आपको एक चीज बताओ कि ये चेक करें, अगर जिला फेक हो या अगर जिले के पास ये एक्सपायर देसी घी लगा हो तो ये इतने लाइसेंस जो है वो यहाँ पर लटके ना हो और इतनी जो असनाद है वो यहाँ पर लटकी ना हो। यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से भी लगा हुआ है, FBR की जानिब से भी लगा हुआ है, और उसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पर टैक्सेस जो अदा किए जिले ने उनके तमाम प्रूफ्स लगे हुए हैं, और ये जितने लोग जिले के पास काम करते हैं उन सब के यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं बकायदा मेडिकल के। और ये चेक करें, आज जिले ने बड़े ज़बरदस्त किस्म का लच्छा कबाब है, ये छल्ला कबाब है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और बेहतरीन किस्म की जिले ने इसमें जो है वो डाल दिया क्रीम भी, देसी घी भी, और इसके अलावा क्या क्या डालने वाला जिले भाई? इसमें देसी घी जाएगा। हाँ। हाँ। ये भाईजान काली मिर्च भी आ गई, और काली मिर्च के तड़के के साथ जिले का मजीद जो है वो जबरदस्त किस्म का आप लच्छा लच्छा कबाब या लच्छा तिक्का छल्ला कबाब, छल्ला कबाब खाने के लिए आप आ सकते हैं। और ये जितनी भी खबरें हैं, हाँ जो पेज पे वीडियो डाले वो अपलोड उन्होंने बंद करा दिया, हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, ताकि अपना आवाम को पैगाम दे सके हमारा शॉप खुली है, कोई बंद नहीं, कोई जेल की नहीं पकड़ा गया, सब फेक है। उसने क्या काम किया, उसने हमारे जो अपने अकाउंट पे वीडियो फेंकते ना, तो हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, ताकि आवाम को बताए हमारा जिला। अच्छा ऐसा तो नहीं है जिले भाई के उसने अपनी रेटिंग के लिए किया हो, जिसने भी किया है मुझे तो नहीं पता किसने किया है। जी ऐसे ही उसने बहुत गलत काम किया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ गलत किया उसने। अभी ये चेक करें भैया, ये कस्टमर है। हाँ जी पकाओ, माशाल्लाह एक नंबर है, अभी तो दुनिया एक नंबर है, आप लोग आते हैं। ये चेक करें जी, ये जिले के कस्टमर्स हैं और ये कह रहे हैं कि भाईजान जिले पकाओ एक नंबर है। अच्छा जी यार यकीन करें, ये लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार जो जिले के साथ है। आपको नहीं पसंद आता अभी किसी ने वीडियो लगाई है कि जिला फूड पॉइंट सील हो गया, खुदा की कसम सब लोग एक मिनट आहिस्ता। ये जिले ने भाईजान अपनी आवाम को जो है वो वैसे फ्री में जो है वो टेस्ट करवा दिया। क्या है बात है जी, जिले भाई आई लव यू, आपका सारा टेस्ट ठीक है, और ये जितने भी कस्टमर्स हैं जिले के खड़े हैं। जिले एक चीज तो मैं कहूंगा कि जब जवाल से अरूज की तरफ इंसान जाता है ना, तो बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं इंसान के खिलाफ,
अपना हौसला बुलंद रखो, अपने आप को बुलंद रखो और इन लोगों की खिदमत करते रहो अपनी आवाम के साथ। हाँ लगाई है, मैं फिर कह रहा हूँ मदरसे के बच्चे थे। अच्छा मैं फिर कहूँगा, चले एक मिनट मैं ये कहूँगा, ये सारी आवाम के सामने मैं ये कहूँगा, मैं फिर भी कहता हूँ रमजान का महीना, मैं फिर भी कहूँगा अल्लाह पाक उस बंदे को हदायत दे जिसने भी करवाई है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह वास्ते उसको माफ कर दो और उसको कहो कि ये चीज डिलीट कर दो। ले भाईजान, जिले की जो जिले के साथ खड़ी आवाम है वो नहीं माफ करना चाहती। खैर जो कुछ भी है, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ जिले की दुकान से, और अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत, देखते रहिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अल्लाह निगहबान।